वेलकम, मेरा नाम है ओमकार और आज के वीडियो में हम बहुत सारी जो है टोयोटा की कार्स कवर करने वाले हैं, जिनमें से दो होने वाली है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और दो होने वाली है टोयोटा फॉर्च्यूनर। जो फॉर्च्यूनर है ना वो थोड़ा सा ओल्ड वाला शेप होने वाला है, तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये फॉर्च्यूनर का शेप आज के वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। और मुझे पर्सनली जो है ये वाला शेप ज़्यादा पसंद आता था। सो ये गाड़ियाँ दिखाने से पहले अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको जल्दी से दबा दीजिए, जिससे आपको जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक नोट देना चाहता हूँ, अगर आप नासिक से वीडियो देख रहे हो या आप महाराष्ट्र के किसी जगह से ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो जो है आपके लिए बनी है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो ये दिल्ली वगैरह साइड से कॉल करते हैं कि भाई प्राइस बहुत ज़्यादा है, कमेंट करते हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। बट जो महाराष्ट्र है वहाँ पे कार्स की जो प्राइसेस रहती है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू दिल्ली, बिकॉज वहाँ पे जो टैक्स वगैरह रहता है वो भी काफ़ी कम रहता है और उधर के जो रूल्स है वो भी काफ़ी अलग है। तो और चलिए अभी जल्दी से गाड़ियाँ देखते हैं। सो गाइज, ये है वो कार जो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं दो हमारे पास है, दो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और दो है फॉर्च्यूनर। और ये जो दोनों फॉर्च्यूनर है ना ये 3 लीटर के इंजन के साथ आती है और जो इनोवा क्रिस्टा है ना ये 2.8 लीटर के इंजन के साथ आती है। देन अगर मैं आपको ईयर बताऊँ तो ये वाली जो फर्स्ट वाली इनोवा है ये 2016 की है, जो सेकंड वाली है वो 2017 की है, ये जो फॉर्च्यूनर है ये 2013 की है और ये जो फॉर्च्यूनर है ये 2015 की है। चारों कार जो है डीजल में है। सो चलिए अभी फर्स्ट गाड़ी से स्टार्ट करते हैं, जो कि ये वाली इनोवा क्रिस्टा होने वाली है ब्राउन कलर की। एक्चुअली हम इसको पर्पल कलर भी बोल सकते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा इसका जो शेड है वो थोड़ा सा अलग है। सो अगर आप यहाँ पे इसका हेडलैम्प के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलती है। फ्रंट अगर आप देखें तो कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस तरह की कंडीशन के साथ ये गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल है। देन ये है इस गाड़ी की की। मैंने सारी गाड़ियों की जो है इस बार गाड़ी के ऊपर रखी बिकॉज कन्फ्यूजन ना हो। सो यहाँ पे आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं कि साइड से किस तरह की कंडीशन है। ये गाड़ी के अंदर आपको जो ये 16 इंचेस के अलॉयज मिलते हैं, तो यहाँ पे आप जो इनकी लुक देख सकते हैं। डिस्क ब्रेक आपको इसके अंदर जो ये सामने के साइड में मिल जाता है। देन साइड मिरर्स आप देख सकते हैं, इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं साइड में। डोर हैंडल्स में आपको जो ये क्रोम मिलता है। 2.8G मॉडल है ये। सो मॉडल भी आप एक बार नोट कर लीजिए, 2.8G मॉडल ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। शायद से किसी की पायलट गाड़ी रहेगी पहले, एक्चुअली नहीं रहेगी, मज़ा कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको इनोवा क्रिस्टा की जो ये बैजिंग मिलती है और ये है गाड़ी की दूसरी साइड की लुक। आप सभी ने तो इनोवा क्रिस्टा कई बार देखी होगी तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं डायरेक्टली चलता हूँ ये गाड़ी के इंटीरियर के अंदर, मैं आपको इंटीरियर की कंडीशन दिखा देता हूँ। ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे इस बार बिकॉज मैं आपको कई बार जो है ये गाड़ी का पूरा रिव्यू दे देता हूँ, बट इस बार जो है हम शॉर्ट में इसको निपटा लेंगे। सो कंडीशन मैं आपको इस गाड़ी की पूरी दिखाऊँगा, बट शॉर्ट के अंदर भी, शॉर्ट वीडियो के अंदर भी आपको मैं कंडीशन पूरी दिखा दूँगा। सीट्स आप देख सकते हैं, लेदर सीट्स है इसके अंदर, ऑरेंज एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। डैशबोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, पायोनियर का आपको इसके अंदर जो है डिस्प्ले मिलता है। और स्टेयरिंग के ऊपर आपको जो ये कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलता है, 2.8G मॉडल है। और यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं। नीचे आपको जो ये इको मोड, पावर मोड, आपको इसके अंदर जो ये कुछ मोड्स मिलते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो आपको ऑटोमेटिक गियर नॉब मिलता है। ये और एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, डीजल ऑटोमेटिक गाड़ी है। और ये है कम्प्लीट गाड़ी की कंडीशन। सो यहाँ पे आप कंडीशन देख चुके हैं आगे से किस तरह से है, यहाँ पे एक बार आप पीछे से भी देख लीजिए। और ये एक 7 सीटर इनोवा है, तो यहाँ पे आपको बीच में जो ये दो पायलट सीट्स मिलती है, तो ये चीज़ आप एक बार देख लेना। और पीछे एक बार जो है ये एक बार देख लीजिए कि पीछे जो ये 3 सीट्स मिलती है आपको, तो पीछे 3, यहाँ पर बीच में 2 और आगे 2, इस तरह से आपको जो ये 7 सीट ये गाड़ी के अंदर मिल जाती है। कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस तरह की कंडीशन के साथ ये गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल है। मॉडल मैंने आपको बोल दिया है, 2.8G मॉडल है और 2016 की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। सो गाड़ी जो है 71,000 किलोमीटर चली है। और अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूँ कि जो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा है उसको जो ये कंपनी 3 साल की वारंटी देती है इंजन की, मतलब सॉरी 3 लाख किलोमीटर की वारंटी देती है। और मुझे साल कितने पता नहीं कि कितने साल की वारंटी रहती है, बट इंजन मतलब इतना अच्छा रहता है इस गाड़ी का कि 3-3 लाख किलोमीटर आराम से चल जाता है, इंजन में जो ये कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सो सिर्फ और सिर्फ 71,000 किलोमीटर चली है, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ। गाड़ी की जो आस्किंग है वो है 16,90,000 रुपये, मतलब 16,90,000 रुपीज़ इसकी जो ये आस्किंग रखी है। बट ये प्राइस जो ये नेगोशिएबल है, अगर आपको ये वाली गाड़ी पसंद आती है तो आप कारमलासे के अंदर आकर विजिट कर सकते हैं और गाड़ी के जो प्राइस है उसके अंदर कम ज़्यादा कर सकते हैं। फर्स्ट ओनर गाड़ी है और डीजल है, डीजल ऑटोमेटिक गाड़ी है। देन ये है 2017 की इनोवा क्रिस्टा,
ये भी एक फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इसकी भी एक बार आप कंडीशन देख लीजिए। हेलोजन हेडलैम्प से नीचे फॉग लैम्प्स दिए गए हैं, सिल्वर कलर की गाड़ी है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। और ये जो ये साइड लुक है गाड़ी की। सो एक बारी मैं आपको गाड़ी की जो ये चारों ओर से कंडीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक 2.8G वाला मॉडल है, मतलब सेम मॉडल है। और ये है गाड़ी की पीछे से लुक, पीछे से गाड़ी जो है कुछ इस तरह से दिखती है। 2.8G मॉडल है, पीछे से भी काफ़ी अच्छी कंडीशन है, बट मैं आपको नंबर नहीं दिखा सकता, आपकी इच्छा होगी बट मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। सो यहाँ पे ये है गाड़ी की साइड लुक और ये है गाड़ी की। सो कंडीशन आपको ये गाड़ी की भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अभी हम डायरेक्टली चलते हैं गाड़ी के अंदर। और ये लॉक है, इसको मैंने अनलॉक कर लिया। सो ये भी एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोयोटा इनोवा डीजल ऑटोमेटिक है ये भी। मेरा कैमरा इतना ब्लर क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक शॉट डाल दूंगा बिकॉज कैमरा जो है काफ़ी ब्लर हो रहा है तो आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट जो है आपको ब्लैक कलर के फैब्रिक में मिलती है, फैब्रिक सीट कवर्स डली हुई है इस गाड़ी के ऊपर। 2017 का मॉडल है। स्टीयरिंग के ऊपर आपको सेम कंट्रोल्स मिलते हैं, डिस्प्ले आपको सेम पायोनियर का मिलता है। और ये भी शायद से एक 7-सीटर गाड़ी है। सो जी हाँ, ये भी एक 7-सीटर इनोवा है। इसके अंदर आपको लेदर सीट कवर्स नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हैं। पीछे आपको 3 सीट्स मिलते हैं, बीच में आपको 2 सीट्स मिलते हैं, आगे आपको 2 सीट्स मिलते हैं। सो 7 सीट यहाँ पे हो गए। और अभी हम आते हैं गाड़ी की कंडीशन कीमत के ऊपर, सॉरी कीमत के ऊपर आते हैं अभी हम। सॉरी, एक चीज़ मैंने आपको पहले से थोड़ी सी गलत बोली है, ये जो ये 2018 का मॉडल है, 17 का भी नहीं। सो ये थोड़ा सा नया मॉडल है। और कंडीशन भी आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी खूबसूरत है गाड़ी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है बिकॉज कंडीशन काफ़ी अच्छी है, विदाउट एनी स्क्रैच आपको ये गाड़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर मैं ये गाड़ी की कितनी चली उसकी बात करूँ तो 90,000 किलोमीटर जो है गाड़ी चली हुई है। और ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और इस गाड़ी की जो आस्किंग है ये है 18,50,000 रुपये, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है इस गाड़ी के लिए। सो ऑटोमेटिक डीजल ऑटोमेटिक ये गाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है विद फर्स्ट ओनर। एंड दोनों कार्स के ऊपर आपको जो है फाइनेंस का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये गाड़ी के ऊपर आप कुछ तो भी 11,18,000 तक जो है फाइनेंस कर सकते हैं, और ये गाड़ी के ऊपर आप कुछ तो भी 12,25,000 तक जो है फाइनेंस कर सकते हैं। मतलब अगर आप पकड़ के चले तो आपको 6-7 लाख के अंदर जो ये गाड़ी 6-7 लाख डाउन पेमेंट के अंदर आपको जो है दोनों कार जो है घर पे लेके जाते आने वाली है, और बाकी के अमाउंट का आप जो ये ईएमआई कर सकते हैं और आप मंथली ईएमआई थ्रू जो ये पे कर सकते हैं। देन ये है नेक्स्ट वाली जो कि है 2013 की फॉर्च्यूनर। सो फॉर्च्यूनर तो किसको पसंद नहीं आती भाई, ये वाला तो शेप सभी को पसंद आता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लुक्स आपको दोनों कार्स के अंदर तकरीबन सेम मिलता है, और ये 2013 का है तो इसकी प्राइस जो है थोड़ी सी इससे कम होने वाली है। एंड एक बार मैं आपको लुक्स दिखा देता हूँ बिकॉज इसके जो लुक्स हैं वो काफ़ी मैटर करती है। यहाँ पे ऊपर के साइड में आपको जो एयर वेंट मिलता है बिकॉज इसके अंदर आपको 3 लीटर का इंजन मिलता है, बहुत ही पावरफुल इंजन है, तो इसकी जो गर्मी रहती है मतलब जो इंजन है वो भी काफ़ी गर्म होता है, तो ठंडा करने के लिए आपको यहाँ पर जो ये आपको रियल यहाँ पर जो ये वेंट मिलता है इंजन ठंडा करने के लिए। यहाँ से कुछ तो भी रेडिएटर्स वगैरह भी है शायद से, एंड यहाँ पर आगे भी आपको रेडिएटर्स मिलते हैं तो गाड़ी का इंजन ठंडा रहता है उससे। और ये है गाड़ी की कम्प्लीट लुक, वाइट कलर में गाड़ी है, पॉलिटिशियन लोगों की गाड़ी हम इसको बोलते हैं। और ये है गाड़ी के अलॉयज़, यहाँ पे आप अलॉयज़ देख सकते हैं, साइज़ भी एक बार मैं आपको बताता हूँ, 70 इंचेस के अलॉयज़ है। प्रोफाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाले जो गाड़ी है ना इसके अंदर भी 70 इंचेस के अलॉयज़ है बट ये ब्लैक किए हुए हैं, शायद से कंपनी की तरफ से ही ब्लैक आते हैं। गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा है तो इसको ऊपर चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर जो है फुट स्टेप मिलती है, डोर के हैंडल आपको क्रोम में मिलता है। और कंडीशन आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कंडीशन के साथ ही गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल है। सो कंप्लीट यहाँ पे आप कंडीशन देख लीजिए। ये है गाड़ी की रेयर साइड जहाँ पे मैं आपको नंबर प्लेट हाइड करके बताता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे से गाड़ी किस तरह से दिखती है। अभी यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ साइड वाली कंडीशन, तो यहाँ से भी आप इसकी जो ये कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही तो हवा की थोड़ी सी आपको आवाज़ आ सकती है। और एक इनोवा की चाबी मैं यहाँ पे एक बार रख देता हूँ और हम चलते हैं फॉर्च्यूनर के अंदर। इसकी जो की है ना वो आपको कुछ इस तरह की मिलती है। सो यहाँ पे आप की भी देख सकते हैं, और ये मैंने गाड़ी अनलॉक कर ली। और ये है गाड़ी का इंटीरियर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह के इंटीरियर के साथ आपको गाड़ी मिलती है, लेदर के सीट्स है इसके अंदर। ये एक डीजल ऑटोमेटिक गाड़ी है तो यहाँ पर आप इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देख सकते हैं, गियर बॉक्स नहीं देख सकते, गियर का नॉब देख सकते हैं। और ये है डैशबोर्ड गाड़ी का, सो कुछ इस तरह के डैशबोर्ड के साथ ही गाड़ी आती है, काफ़ी तगड़ा लगता है।
और यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है। बाकी ये है कंप्लीट कंडीशन गाड़ी की। ये भी एक फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2013 का मॉडल है, 3 लीटर वाला मॉडल है ये। और ये है पीछे की सीट्स, एक 7 सीटर गाड़ी है तो ये सीट जो है पीछे की थोड़ी सी फोल्ड करके रखी है, बट अगर आप चाहे तो इसको जो है ये अनफोल्ड कर सकते हैं। और ये कौन सा मॉडल है वो भी आप एक बार देख लीजिए, 3.0 D4D, मतलब फोर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है, ऑटोमेटिक फोर व्हील ड्राइव के साथ आती है ये गाड़ी। और ये वाला भी जो मॉडल है ना, ये 3.0 D4D, मतलब ये भी एक फोर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है। पीछे की अगर आप इसकी टेल लैंप देखें ना तो थोड़ी सी आपको अलग देखने को मिलेगी, शायद से आफ्टर मार्केट भी हो सकती है, मुझे इतना पता नहीं इसका, बट काफ़ी अच्छा लगता है। और ये आप यहाँ पे क्लैडिंग देख सकते हैं गाड़ी की, यहाँ पे आपको जो है वाइट कलर की क्लैडिंग मिलती है। एक बार हम ये गाड़ी की भी जो है डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये है 2013 का मॉडल और ये भी एक फर्स्ट ओनर गाड़ी है। गाड़ी जो ये 1,00,000 किलोमीटर चली है और गाड़ी की जो आस्किंग है वो है 15,50,000 रुपये, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। अगर आपको ये भी गाड़ी पसंद आती है तो आप कार मॉल नासिक के अंदर आके विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आके आप इस गाड़ी की जो प्राइस है उसके अंदर नेगोशिएट कर सकते हैं। ये गाड़ी के ऊपर भी आपको जो है फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप इसके ऊपर भी जो है 10,85,000 तक जो ये फाइनेंस कर सकते हैं और बाकी के अमाउंट का आपको जो है डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा। मतलब शायद से कुछ तो भी 5 लाख 5.5 लाख तक आपको इसका जो ये डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हेडलैम्प्स है वो आपको यहाँ पे हेलोजन प्लस प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है। सो इसके अंदर भी आपको सेम जो ये हेडलैम्प मिलती है, इसकी भी एक बार मैं आपको बाहर से कंडीशन जो ये दिखा देता हूँ कि किस तरह की कंडीशन के साथ ये गाड़ी है। अगर जैसे कि मैंने आपको इसके पहले ही दिखा दिए है, ब्लैक किए हुए हैं और ये है साइड लुक गाड़ी की, बहुत ही तगड़ी लगती है गाड़ी। और ये जो ये थोड़ा सा ऊपर वाला मॉडल है, मतलब ये 2015 का मॉडल है, तो आपको जो लुक्स है वो थोड़े से अपग्रेड मिलते हैं गाड़ी के अंदर। जो स्पॉइलर है वो भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है इसके अंदर। और TRD की इसके ऊपर जो है बैजिंग दी गई है। सो यहाँ पे पीछे से आप इसकी जो ये लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखती है। ये है यहाँ से पीछे से लुक, एंड साइड लुक आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कंडीशन के साथ आपको ये भी गाड़ी जो है ये देखने को मिल जाती है। सो इसकी एक बार मैं की ले लेता हूँ, बिकॉज इसकी भी की मैंने यहाँ पे रखी है और इसकी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, बाद में उठाऊंगा मैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी भी जो की है ना वो आपको सेम ही मिलती है। और एक बार हम इस गाड़ी के अंदर भी चलते हैं। सो एक बार हम इसको अनलॉक कर लेते हैं। सो ये है इस गाड़ी का इंटीरियर, और एक बार मैं इस गाड़ी के अंदर आपको बैठ के दिखाता हूँ, बिकॉज बैठने से जो है ना आपको मैं फील भी थोड़ा सा बोल सकूँगा। गाड़ी की जो हाइट है ना बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो आपको जो एयर वाला वेंट मैंने आपको दिखाया था ना वो वाली गाड़ी के अंदर, आपको इस गाड़ी के अंदर भी वो मिलता है। और यहाँ से आपको ये दिखता है तो सामने मतलब एक ट्रक जैसा लगता है ये। इस गाड़ी के अंदर बैठ के आपको एक ट्रक जैसा फील आएगा, आप एक ट्रक के अंदर बैठे हो। और ये है सीट्स, लेदर की सीट्स है। यह है इसका डैशबोर्ड, एक बार मैं आपको इसका जो क्लस्टर है ना वो चालू करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोयोटा लिख के आया है और यहाँ पे ये है इसका इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर। सो इसको चालू रखता हूँ मैं थोड़ी देर। और यहाँ पे आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लव बॉक्स है, ये भी एक ऑटोमेटिक गाड़ी है। ग्लव बॉक्स नहीं, ये एक स्टोरेज स्पेस है और यहाँ पे आपका ग्लव बॉक्स है। ऊपर आपको जो है एयरबैग्स की बैजिंग मिलती है। सेफ्टी भी आपको इस गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि जिस तरह से जो अपनी इनोवा है इसके अंदर आपको 3,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, मुझे पता नहीं कि वारंटी इसके अंदर मिलती है या नहीं, बट जो इंजन है इसका भी आपको काफ़ी ड्यूरेबल मिलता है। ये भी जो है 3-4 लाख किलोमीटर चल जाता है और इसके अंदर भी जो है कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आपके फ्रेंड के पास, अगर आपके दोस्त के पास कोई टोयोटा की गाड़ी हो तो उनसे एक बार पूछ लेना कि गाड़ी की क्वालिटी कैसी है, ड्राइविंग कैसी है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है और गाड़ी कितनी चलती है, कितने ज़्यादा दिन चलती है गाड़ी, क्या मतलब दिक्कतें देती है, वो आप उनसे जो है आराम से पूछ सकते हैं। अगर आपको अभी तक का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जिनको एक टोयोटा की गाड़ी लेनी है उनको भी थोड़ी सी हेल्प कर देना। तो अभी हम चलते हैं पीछे के सीट्स के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको पीछे की भी जो ये कंडीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वाली गाड़ी के अंदर मैंने आपको बैठ के नहीं बताया, तो यहाँ पे मैं आपको ये बैठ के सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सो यहाँ पे आप पीछे की भी जो ये कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ पे फुट लाइट्स आपको गाड़ी के अंदर जो है मिल जाते हैं, शायद से उधर का बंद हो गया होगा। और ये है पीछे की जो सीट्स है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की मिलती है।
सो कंडीशन जो है आपने ये गाड़ी की भी पूरी देख ली है, अभी हम इसकी भी जो है डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सो ये जो ये 2015 का मॉडल है और ये भी एक फर्स्ट ओनर गाड़ी है और इस गाड़ी की जो आस्किंग है ना वो रखी है 17,75,000 रुपये, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। सो अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो आप कारमल नासिक के अंदर आके विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे आके आप इस गाड़ी की जो प्राइस है उसके अंदर नेगोशिएट कर सकते हैं और ये गाड़ी जो है ये घर ले जा सकते हैं। इसके प्राइस के अंदर भी आपको जो है फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है, तो आप 12,24,000 तक इसके ऊपर जो है ये फाइनेंस कर सकते हैं और बाकी के अमाउंट का आपको जो है ये डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको TRD की बैजिंग मिलती है, तो ये चीज़ है एक बार आप देख लेना। और फिर से एक बार मैं आपको ये सारी कार्स दिखा देता हूँ, मतलब आपको समझेगा कि आज हमने कौन सी कार्स देखी। तो ये है वो सारी कार्स, आपको अगर सारी कार्स में से कोई सी भी गाड़ी पसंद आती है तो आप कार मॉल नासिक के अंदर आके ज़रूर विज़िट करें, या यहाँ पे आप और भी कार्स देख सकते हैं, हैरियर वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारी कार्स है। हैरियर का वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो हमारा पिछला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, पिछला वीडियो हैरियर के लिए ही बना है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना था। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको जल्दी से दबा दीजिए, जिससे आपको जो मेरे आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।